हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। अभी जो है समा सर्दियों का शुरू हो चुका है, तो मतलब बहुत ज़्यादा अभी सर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना है कि इंडिया के हिसाब से अगर देखें तो फिर मतलब इंडिया के इक्वल टू हो गया अपना सर्दी, मतलब कि 0 डिग्री हो गया या +4 5 कुछ इस प्रकार से अभी चल रहा है। ठीक है, अभी देखिए इसके अलावा क्या है कि बेटे का जो था बर्थडे, और इसको जो है पियानो गिफ्ट किया है इसके परदादा एंड परदादी ने, एंड हाई फाई इंटरटेनमेंट इसके साथ खेल रहा है, डांस कर रहा है इसके साथ, मतलब कि खूब जो है इंजॉय कर रहा है। उसको काफ़ी पसंद आया ये जो खिलौना था। इसका अभी जो बर्थडे था तो इसके रिगार्डिंग जो था इसको ऑप्शन दिया गया इस बार की खुद की मर्जी से जो है ऑफर, मतलब कि कुछ चूज़ कर सके जो उसका अच्छा हो। एंड दोस्तों, जो मैंने जो मंदिर बनाया था अभी उसको सेंड करने का समय आ गया था, तो मतलब कोरियर में ये इसको सेंड करेंगे। यहाँ पे कुछ कंपनीज वगैरह हैं जो मतलब कि आपका मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह, आप भी समझ सकते हो, तो उसके रिकॉर्डिंग था। इसके अलावा देखो, अभी हम लोग जो है आगे बढ़े, जो अपना देश की मिर जिसको बोलते हैं, बच्चों का शॉप, यहाँ पे मतलब कि हर प्रकार का खिलौना। और आप ये जो गाड़ी देख रहे हो उसके ऊपर अल्फ़ाबेट लिखा है YU, तो इसका मतलब ये गाड़ी सिखाने के लिए, मतलब सीखने के लिए इसमें सिखाया जाता है किसी को, ठीक है ना गाड़ी। और मैं हम जो शॉपिंग सेंटर में जो एंटर किए, ये हम बहुत जल्दी आ गए। वैसे इसका ओपनिंग था 10 बजे, मतलब यहाँ पे रूल है 10 बजे, तो पूरा 10 बजे हो गया, 1 सेकंड भी पहले ओपन नहीं करते, ठीक है ना। तो हम थोड़ा टाइम तो खड़े रहे, अभी देखो ओपन हो चुका है शॉप। तो ये जो है इसको देश की मिर बोलते हैं, देश की मिर, तो मतलब कि इसमें सारे खिलौने रहते हैं काफ़ी। तो बच्चों को इनको ऑप्शन दिया गया था कि कौन सा खिलौना चूज़ कर रहे हो, मतलब जो भी चूज़ करे उसको हम बाय करेंगे। तो आप देख ही सकते हो क्या क्या चूज़ करा, कभी कोई गाड़ी के ऊपर हाथ लगाता है, कभी कोई कभी खुश। तो इसके अलावा आप प्राइसेस यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से, जैसे ये पियानो देख सकते हो 6,500 7,000 रुपये का, 350 रुपीज़ कुछ ऐसा। इसने अपने हिसाब से जो चूज़ किया, रोबोट चूज़ किया था ट्रांसफार्मर, लेकिन मैंने उसको ये गाड़ी पूछा था अगर चाहता है तो ये गाड़ी ले सकता है, ठीक है ना। तो प्राइसेस वगैरह आपने आप खुद भी चेक कर सकते हो। और भी खिलौने जैसे ये 1,800 रुपीज़ का छोटा सा डोल, ठीक है ना, ये मतलब कि म्याकी ग्रूज के जिसको बोलते हैं, मतलब कि सॉफ्ट टॉयज जो रहते हैं, ठीक है ना। तो आप खुद भी देख सकते हो प्राइस। एंड यहाँ पे जो कपड़ों का जो प्राइस है वो भी आप देख सकते हो। ये तो चलो सॉफ्ट टॉयज वगैरह हो गया, अभी ये जो शर्ट वगैरह आप देख सकते हो बच्चों के लिए, ठीक है ना, ये 1,000 रुपीज़ का हो गया। तो यहाँ पे कभी कई कई कपड़े तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, कई सही सही रेट में रहते हैं। एंड देख सकते हो कैसे मेरे साथ जो है खिलौने को लेके जा रहा है, अपने ही इसी को बाय करना है। एंड अलग अलग रोबोट जो है ट्रांसफार्मर रोबोट जो है अलग अलग लेके जा रहा है और चेक कर रहा है कि कौन सा पसंद है। और ये जो आप छोटा सा मोटरसाइकिल देख सकते हो, ये मैंने अपने भतीजे को गिफ्ट किया था इंडिया में ऐसा। इंडिया में भी तो आई थिंक ऐसे है ही, ठीक है ना। तो कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, ये कुछ 2,800 रुपीज़ का। एंड ये जो गिफ्ट जो है अभी बाय किया है, ये इसका भी प्राइस कुछ 4,000 रुपीज़ के पास था, जो गिफ्ट जो है इसने बाय किया। इसका एज जो है अभी 2 साल हो चुका है, ठीक है ना। अभी हम लोग मॉल में ही हैं, एंड गिफ्ट आप देख ही सकते हो प्रॉपरली कि क्या बाय किया है, मतलब समझ कुछ भी नहीं है, जस्ट रोबोट लेना है, रोबोट लेना है, बस बोलता जा रहा है कि मेरे को रोबोट चाहिए, रोबोट रोबोट, ठीक है ना। फिर एक्चुअल में ये ट्रांसफार्मर था, गाड़ी बन जाता है और रोबोट भी। एंड इसके अलावा आप देख सकते हो अभी भी हम लोग मॉल में ही हैं। अभी हम लोग एंटर किए ये केक वगैरह लेने के लिए छोटू के लिए। यहाँ पे बने बनाए केक का ज़्यादा सिस्टम रहता है, एंड केक भी हमने पसंद किया बेटे के लिए। एंड ये तो बड़ा बनाया, सारा खाना भी रहता है आप घर से, मतलब कि यहाँ पे मोस्टली लोग घर पे नहीं बनाते हैं, बहुत ही रेयर है घर पे बनाए खाना। यहाँ पे मोस्टली रहता है कि आके यहाँ पे मतलब कि जो भी बना बनाया खाना या तो रेस्टोरेंट से या वहाँ से ऑर्डर होता है। आप हैरान होंगे, मंथ में मतलब 1.5 2 2 लाख रुपए का सिर्फ खाना ही लोग ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट से, मतलब घर पे कोई कुछ नहीं बनाता, सिर्फ अपने काम पे और बना बनाया खाना। और आप ये जो ककलेट देख सकते हो, ये मतलब कि सोयाबीन मैसा है,
सोया बोल सकते हो उसके काकलेट से, एंड चीज़ दे सकते हो। चीज़ की कितनी सारी वैरायटी है, बहुत सारा चीज़ होता है। लेकिन अगर वेजिटेरियन हो तो प्लीज़ ध्यान रखना कि जो चीज़ जो है मतलब गाय का बना हुआ ना हो, मतलब कि उसमें डायरेक्टली मतलब कि कई कई जगहों पे तो मतलब कि खून यूज़ होता है गाय का, ठीक है ना। तो आप इंग्रेडिएंट प्लीज़ पढ़ के सब कुछ प्रॉपरली फिर ही बाय करिएगा सर, ठीक है ना। एंड ये जो हमने बाय किया केक, ये केक जो है ये शहद का बना हुआ है, इसमें प्रॉपरली शहद वगैरह रहता है। एंड अभी ये जो है केक को इंजॉय कर रहा है एंड सबको मतलब कि ऑफर भी कर रहा है कि ये तू खाओ पापा, तुम खाओ पापा या मम्मा तुम खाओ, ठीक है ना। वो खुद भी खा रहा है, वो प्रॉपरली ये शहद है मतलब कि क्रीम, एंड बहुत अच्छा है इसका टेस्ट रहता है। अगर कभी आप रशिया में आए या हो तो यहाँ पे जो केक में मतलब कि केक जो है एक शहद का बना हुआ, ठीक है ना, और एक गाजरों का बना हुआ केक, ये दो चीज़ें ज़रूर आप टेस्ट करना, ठीक है ना। अगर डिज़र्ट वगैरह में करना चाहते हो तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट रहता है, ठीक है ना, मतलब बहुत ही डिफरेंस है। एंड बाकी आप देख ही सकते हो, चलो बेटा खूब इंजॉय किया बर्थडे का, एंड आगे आप खुद भी देख सकते हैं। हैप्पी बर्थडे सुनो। दूसरा बेटा जो है अभी आया स्कूल से, और आते ही पियानो को सबसे पहले पकड़ा, एंड किंडरगार्टन से बोल सकते हैं, किंडरगार्टन से आया आते सबसे पहले पियानो पकड़ा और गाने बोल रहा है, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा बच्चों के सीखने के लिए था। अगर इसका प्राइस का बात करें तो ये 5,000-6,000 रुपीज़ का था। उसके बाद हम शाम को ये होते छोटे से कैफ़े में एंटर किए, यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए एक साइड पर जगह रहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने जो था ब्लिनी ऑर्डर किया, मतलब कि ब्लिनी मतलब कि केक बोल सकते हो, पैन केक, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत फेमस है ट्रेडिशनली, ये अलग अलग टाइप के मतलब कि इसमें मतलब कि फिलिंग्स वगैरह होती हैं, जिस हिसाब से पसंद है वैसे खा सकते हो, वेजिटेरियन ऑप्शन भी रहते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चे देख सकते हो किचन छोटा सा, किचन इनके लिए अच्छे से खेल रहे हैं, एंड अभी देख सकते हैं इसका टेस्ट वैसे अच्छा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड मत देखो वो क्या कर रहा है इसको छोड़ दो ना। बाकी टेस्ट वगैरह आई भाई है, और ककटेल जो हो गया अपना मलोशनी ककटेल, ठीक है ना। तो अभी मैं इतने साल यहाँ पर रहने की वजह से मतलब कि रशियन वर्ड ही मुँह से मेरे निकलते हैं, मतलब कि कई बार मेरे को सोचना पड़ता है हिंदी वर्ड क्या है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है एंटर हुए हैं ये अपना शूजेस बाय करने के लिए, क्योंकि अभी सर्दी आने वाला है तो उसके हिसाब से सबको जो है शूजेस वगैरह बाय करना पड़ेंगे। तो अभी सबसे पहला नंबर जो है अपनी वाइफ का लगा कि उसको बाय करके देंगे, एंड बच्चों को बाय करके देंगे सबसे पहले। तो मेरे पास तो ऑलरेडी हैं लेकिन रिप्लेस तो करूँगा। लेकिन यहाँ पे मतलब कि पेयर्स का अगर बात करूँ तो रेट अच्छा खासा है, 4,000, 3,000, 2,000, इससे नीचे कुछ भी नहीं आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इससे नीचे कोई भी शूज़ वगैरह नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी वेरिएंट मतलब बहुत ज़्यादा अभी आए नहीं है शूज़, क्योंकि अभी प्रॉपरली मौसम भी नहीं आया, ठीक है ना। जब प्रॉपरली मौसम आएगा यहाँ पे बहुत ही अच्छे शूज़ रहते हैं, मतलब कि सच में ये -20, -25 में चलने वाले, -30 में चलने वाले, ठीक है ना, -5 में चलने वाले, तो इस प्रकार से रहते हैं। इंडिया के हिसाब से यह बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर इसको आप डालेंगे तो पाँव से धुआं निकलेगा प्रॉपरली, मतलब कि गर्मी लगेगा तो अच्छे से चल नहीं पाएंगे, तो ये मौसम के हिसाब से। एंड चलो ये हमने जो बाय किया अभी आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। एंड बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर करना आगे और भी दोस्तों के साथ, और भी लोगों के साथ, ताकि जो भी यहाँ पे मूव होना चाहता है या जो भी है, ठीक है ना, तो उसको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन रहे किस हिसाब से यहाँ पे बजट रहता है या क्या है, किस हिसाब से लाइफस्टाइल है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं, क्वालिटी क्या है, ठीक है ना। अगर बाकी सब कुछ हाई फाई है यहाँ पे प्रॉपरली इन्जॉय। ओके दोस्तों, बाय बाय।